दोस्तों, आपने दोस्ती की कई सारी कहानियाँ सुनी या पढ़ी होगी, लेकिन मैं दावा करती हूँ कि ये कहानी आपके दिल में उतर जाएगी। शायद इस कहानी को पूरा पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए, और हो सकता है आपको अपने पुराने दोस्तों की याद भी आ जाए। इसलिए इसे एक बार पूरी ज़रूर पढ़िएगा। एक आदमी ने अपने दोस्त के घर पर दस्तक दी। दोस्त ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दस्तक देने वाला उसका दोस्त चेहरे से काफी दुखी और उदास लग रहा है। उसने तुरंत अपने दोस्त को घर के अंदर बुलाया, बैठाया, पानी दिया और पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। उसका दोस्त हिस्ट्री चाहते हुए बोला कि उसके ऊपर 5 लाख का कर्ज है जो उसे जल्द से जल्द देना होगा, वरना उसको उसी के घर से निकाल दिया जाएगा। अगर हो सके तो तुम मुझे वह पैसे दो, मैं तुम्हें थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगा। दोस्त ने अपने दुखी दोस्त को आश्वासन दिया और कहा कि तुम डरो मत, मैं अभी कुछ करता हूँ। उसने अपनी बीबी को दूसरे रूम में बुलाया और उसे कहा कि उसके पास जितने की कीमती वस्तु है उसे दे दे। पत्नी ने अपने सारे कीमती जेवरात उसे दे दिए और उसने भी अपने बचाया हुआ सारे पैसा इकट्ठा किया। फिर भी कुछ पैसे कम पड़े तो उसने अपने पड़ोसियों से उधार लेकर अपने दोस्त को 5 लाख जुटा कर दे दिए। पहला दोस्त जो दुखी होकर अपने दोस्त से मदद मांगने आया था, अब चेहरे पर स्माइल के साथ वहां से लौटा। जाने के बाद जिस दोस्त ने मदद की थी वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोना देखकर उसकी पत्नी ने उसे चुप करने की कोशिश की और उसके रोने की वजह जाननी चाही। पत्नी को लगा कि अपने दोस्त के लिए उसे पड़ोसियों से कर्ज लेना पड़ा, इसलिए वो रो रहा होगा, लेकिन वजह जानकर पत्नी भी अचंभित रह गई। उसके पति ने कहा कि मैं एक अच्छा दोस्त बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त इतने कष्ट में था और मुझे पता भी नहीं था। अगर वो मेरे घर पर मदद मांगने नहीं आता तो मुझे पता भी नहीं चलता। दोस्ती जताने वाली नहीं, निभाने वाली चीज होती है। और एक दोस्त के अपने दूसरे दोस्त के प्रति कैसे विचार होने चाहिए, ये कहानी हमें अच्छे से समझाती है।